जब हम लोग बात करते हैं किसकी बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, किसकी बात करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनादर फॉर्म. ठीक है, जब हम लोग यही टॉपिक खाते वाला पे डिस्कस कर रहे थे तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के क्या लिखे थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लिखे थे. हम लोगों ने बहुत सारी चीजों के क्या लिखे थे, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन. जैसे कि सबसे पहला डायनामो, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक हीटर, फोर्थ रेडियो, फिफ्थ फोटोसिंथेसिस. फैन और मोटर. ठीक है, डायनामो मतलब होता है जनरेटर, क्या होता है, ठीक है ना. तो जब हम लोग डायनामो की बात करते हैं, जब हम लोग किसकी बात करते हैं, डायनामो की बात करते हैं, तो डायनामो में मैग्नेटिक एनर्जी, डायनामो में मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. ठीक है, ट्यूबलाइट में क्या कन्वर्जन होगा रिदांश, इलेक्ट्रिक एनर्जी को ट्रांसफर इलेक्ट्रिक टू लाइट. हीटर में क्या होगा, मैग्नेट को भी इलेक्ट्रिक टू, इलेक्ट्रिकल हीट हीट बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना. रेडियो में इलेक्ट्रिक फॉर्म इलेक्ट्रिक टू साउंड. फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. फैन में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल ठीक है ना. और मोटर में भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी. क्या इतनी कहानी क्लियर है, ये सारे एनर्जी कन्वर्जन हाथों हाथ फटाफट लिख लो. डेरिवेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग लिखेंगे, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम, विच इज रेज्ड टू अ हाइट एच, विच इज रेज्ड टू अ हाइट, विच इज रेज्ड टू अ हाइट एच. ठीक है, टू रीच अ पॉइंट, टू रीच अ पॉइंट ए. ओके, तो इसको हम लोग ने क्या करा, उठाया, ठीक है ना. फ्रॉम ए इट इज ड्रॉप्ड, इट इज ड्रॉप. टू क्रॉस पॉइंट बी एंड रीच पॉइंट सी, एंड रीच पॉइंट सी
इट्स टोटल एनर्जी, इट्स टोटल एनर्जी एट वेरियस पॉइंट्स इज कैलक्यूलेटेड एज, ठीक है। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग ने हाइट एच पे हम लोग उठाकर लेकर आए हैं, ठीक है ना। ये हाइट कितनी है हमारी, एच। ये हाइट कितनी है, एच, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर उसको लेकर आए हैं उस पॉइंट को हमने नाम क्या दिया है, ए। इस पॉइंट को हम लोगों ने नाम क्या दिया है, ए। अब इसको यहाँ से ड्रॉप करेंगे ताकि ये एक्स डिस्टेंस ट्रैवल करके एक पॉइंट तक पहुंचे जिसको नाम क्या दिया हम लोगों ने, बी। और ये और नीचे ट्रैवल करे, कितना ट्रैवल करेगा, एच माइनस एक्स, कितना ट्रैवल करेगा, टू रीच अ पॉइंट सी। आया समझ में, ठीक है ना। ध्यान से देखो, हम लोगों ने बोला हाइट एट पॉइंट ए एच लेंगे, क्योंकि हाइट एट पॉइंट ए एच लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी होगी, एम जी एच। जब वो पॉइंट ए पर है तब वो चल नहीं रहा है, क्योंकि वो तब नहीं चल रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, जीरो। उसकी वेलोसिटी कितनी ले लेंगे, जीरो। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी लेंगे, जीरो। उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कितनी लेंगे, जीरो। तो जब हम लोग टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए निकालने को जाएंगे तो हमने क्या बोला, दैट दिस वुड बी अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इट वुड बी अ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, जो कितना आएगा, एम जी एच प्लस जीरो इक्वल्स टू एम जी एच। तो मेरी एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए कितनी आ गई, एम जी एच। क्या ये कहानी समझ में आई। हाँ अब हम लोग ऐसे ही देखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ऐसे ही हम लोग क्या देखेंगे, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो जब हम लोग बी पे एनर्जी निकालने को जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे लेट लेट द बॉल, लेट द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अ डिस्टेंस एक्स, ट्रैवल अ डिस्टेंस एक्स टू रीच अ पॉइंट बी, टू रीच अ पॉइंट बी। देन हाइट एट पॉइंट बी कितनी होगी बेटा, हाइट एट पॉइंट बी एच माइनस एक्स। नीचे से ऊपर हाइट देखेंगे तो कितनी आ रही है, एच माइनस एक्स। इस हिसाब से देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी, एम जी एच माइनस एक्स, दैट इज एम जी एच माइनस एम जी एक्स, ठीक है ना। वेलोसिटी एट पॉइंट बी कितनी होगी, वी बी। कितनी लेंगे, जी अब सुनो, निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जी जीरो। इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, एक्स, और इस पे एक्सेलरेशन कितना लगा, जी। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू का स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो प्लस टू प्लस जी एक्स। ए की जगह लिखा जी और एस की जगह क्या लिखा, एक्स। तो वी बी स्क्वायर कितना हो गया बेटा, टू जी एक्स। क्या इतनी कहानी क्लियर है। अब बड़े ध्यान से देखना, अगर 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 ये कितना हुआ, टू जी एक्स हुआ, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। क्या मेरे पास यहाँ पर वी बी स्क्वायर की वैल्यू है, हाँ, यानी कि हाफ इंटू एम इंटू टू जी एक्स। तो टू और हाफ कैंसिल हुआ तो ये कितना आ जाएगा बेटा, एम जी एक्स। कितना आ जाएगा, एम जी एक्स। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, एम जी एक्स।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से आंसर कितना आ जाएगा, MgH. इज इट क्लियर? यानी कि पॉइंट ए पे टोटल एनर्जी कितनी थी, MgH. पॉइंट बी पे भी टोटल एनर्जी कितनी है, MgH. एक बार इसको घूर लो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो. चलो, तो हम लोगों ने बोला लेट इट ट्रैवल. लेट, अब अलग पेन से लिखेंगे, पिंक नहीं यार, रेनबो से है, लैपटॉप है. लेट इट ट्रैवल, लेट इट ट्रैवल द एंटायर, द एंटायर, द एंटायर हाइट एच टू रीच अ पॉइंट, टू रीच अ पॉइंट सी, टू रीच अ पॉइंट सी. ठीक है, अब सुनो, हाइट एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा, जीरो. ग्राउंड ऑलमोस्ट ही तो नीचे आ गया ना, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी हुई, जीरो. ठीक है ना, वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितनी हुई, वी सी. कितनी हुई, VC का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. अब समझो a इक्वल टू कितना होगा g, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है इन्होंने, पूरी की पूरी हाइट h, पूरी की पूरी हाइट h ही ट्रैवल कर ली है. तो VC का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अच्छा u कितना होगा, 0, 2gh, ऊपर से ड्रॉप किया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0. VC का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2gh. इस हिसाब से देखिए तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी कितनी होगी, हाफ m इंटू VC का स्क्वायर, हाफ m इंटू 2gh, क्योंकि VC का स्क्वायर किसके इक्वल है, 2gh के. 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, mgh. तो जब हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, जब हम लोग लिखेंगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, क्या लिखेंगे, पीई प्लस के. अब पीई क्या हो जाएगी, जीरो, और के क्या हो जाएगी, एम जी एच. तो टोटल एनर्जी अगेन कितनी आएगी, एम जी एच. हेंस प्रूफ. आया समझ में? नीचे लिखोगे टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी. समझ में आया? तो यहाँ पर ये तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डेरिवेशन क्या होता है, खत्म. तो हमको स्टार्ट कहाँ से करना है, कंसिडर अ बॉडी जिसको पॉइंट ए पर एक हाइट पे रखा था, वहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाली, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच आई, काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो आई. फिर हमने पॉइंट बी पे देखा तो पोटेंशियल एनर्जी आई एम जी एच माइनस एम जी एक्स, और काइनेटिक एनर्जी आई एम जी एक्स. दोनों को ऐड किया तो टोटल एनर्जी फिर से क्या आ गई, एम जी एच. और थर्ड केस में देखा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच. ध्यान दो, स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, आखिरी में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, और बीच में कहीं इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन था. पर टोटल एनर्जी इधर केस में क्या रही, कॉन्स्टेंट रही, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अब तुम चाहो, एनर्जी चेंजेस इन अ पेंडुलम, एनर्जी चेंजेस इन अ पेंडुलम. ये कल खातेवाला वाले बच्चों ने कर लिया था. जो ये हमारा पेंडुलम होता है वो क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट से जुड़ा हुआ रहता है और एक बॉल रहती है कुल मिलाकर, है ना. ये हमारा रिजिड मतलब टफ, ठीक है ना. ये जो होती है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम की मेन पोजीशन. क्या कहते हैं इसकी, मेन पोजीशन. ठीक है रिद्धिमा, अच्छा तू कैसे करेगी, चाहत चाहत तू मेरे फोन से मीटिंग ज्वाइन कर, ये वाली. वैसे अभी मत कर ज्वाइन, अगली मीटिंग करना, क्योंकि तो खत्म ही होने वाली है. ठीक है, अब ये मेन पोजीशन से, ये जो है ये मेन पोजीशन से कहाँ जाएगा, यहाँ इस पॉइंट पर. इस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. क्या कहते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन. अब जब एक पेंडुलम क्या करेगा,
अपनी मीन पोजीशन से अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में मोशन होगा, तब हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। यानी कि इस एक्सट्रीम पोजिशन पे, इस एक्सट्रीम पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, ठीक है ना। जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे जाएगा, जब ये वापस अपनी मेन पोजीशन पे जाएगा, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होने लगेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी। पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। फिर ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ, जब ये फिर से मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, जब मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो अगेन क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। आई बात समझ में? और जब ये वापस इधर आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगेन एक्सट्रीम पोजीशन के इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और